हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आप पपाया स्मूदी को घर पे कैसे बना सकते हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जो पपाया स्मूदी होता है उसको लेने से जो है वो हमारे जो वेट है वो भी लॉस होता है और जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। तो अगर हम इसको बॉडी टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए लेना है तो आप वीक में एक या दो बार ले सकते हैं। अगर हमें अपने वेट को लॉस करना है तो हमें क्या करना है कि इसको हमें डेली बेसिस पे लेना होगा। इसको मॉर्निंग में हमको लेना होगा सुबह में, और हमें उससे पहले एक घंटा पहले कुछ नहीं खाना है और एक घंटे बाद तक भी हमको कुछ नहीं खाना है। तो अगर आप इस को लेते हैं तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा और आप एक महीने में ही आप फ़र्क देखेंगे कि आपका वेट लॉस हो रहा है। और आप पानी लेना चाहें तो ले सकते हैं, जो भी टॉक्सिन है वो निकल जाते हैं। अगर हम इसको लेते हैं तो हमारा वेट भी नहीं बढ़ेगा और वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देता है। और आप बनाइए और तुरंत पीजिए, और इसके अंदर फाइबर भी बहुत अधिक होता है। तो आप पपाया के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और B12 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट को हमारे ये बढ़ने नहीं देता है, वेट को नहीं बढ़ने देता है। बस आप बनाइए और तुरंत पीजिए। तो इसके लिए हमें जार लेना है और हमें पपाया आप अपने अनुसार जितना आपको बनाना है, एक गिलास या दो गिलास, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउल में पपाया ले लिया है और इसको जार के अंदर डाल दूँगी मैं। उसके बाद मैं इसके अंदर पूरा अच्छे से डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो मैंने हनी लिया है वो डालूँगी, लेमन को डालूँगी और उसके बाद ग्राइंड करूँगी। उसके बाद हमें इसके अंदर जो मैंने लेमन लिया है उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसको लेमन को आप अभी भी डाल सकते हैं, बाद में डाल सकते हैं। और फिर 1 स्पून यहाँ पे मैं हनी डालूंगी। तो इस तरह से हमें इसको बनाना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है और बस इसमें शुगर का यूज़ नहीं करना है, हमें इसी तरह से ग्राइंड करना है। और इसके अंदर थोड़ा वाटर आप डाल सकते हैं ताकि स्मूदी अच्छे से वो ग्राइंड हो जाए, तो थोड़ा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी स्मूदी रेडी हो गई है। तो इस ये देख सकते हैं आप कैसी बनी है, और इसको आपको जैसे बनाना है वैसे ही कंज्यूम करना है, क्योंकि इसको आप बना के फ्रिज में नहीं रखना है। जैसे आप बनाएंगे उसको तुरंत ही आपको पीना है, तभी फ़ायदा करेगा ये। तो ये पपाया स्मूदी हमारी रेडी है और बहुत ही इजी है, बहुत इजी बताया है हमने, और आपको इससे ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। तो आप ज़रूर इस स्मूदी को बना के पिए और देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।